ऐसे 24 घंटे चीते जलती रहती है, 24 घंटे। जी गाइस, तो मेरा नाम बीएस राजपुरोहित है और मैं राजस्थान जालौर से हूँ। तो गाइस, आपने पिछली वीडियो में देखा कि हम मणिकर्णिका का घर में पहुंच गए थे और मैंने आपको यहाँ का टूर दिया था। उसके बाद मैंने व्लॉग टू भी कंटिन्यू कर दिया था। तो आज हम घूमेंगे पूरा वाराणसी, बनारस, काशी। तो अभी हम जानेंगे मणिकर्णिका घाट के बारे में और यहाँ पे क्या होता है, कैसे अंतिम संस्कार होता है और क्या क्या यहाँ की विधि होती है, कैसे जलाया जाता है, क्या यहाँ का सीन है और क्या हिस्ट्री है, तो वो हम जानेंगे आज इस वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना और जितना हो सके उतना शेयर करना। फिर हम उसके बाद जाएंगे गंगा आरती देखने, जो कि मैंने कल आपको दूर से दिखाई थी क्योंकि मैं लेट पहुंचा था बनारस और लेट गंगा आरती देखने गया था। तो ऐसा वाला कुछ सीन था कल। तो आज हम देखेंगे प्रॉपरली पूरी 1 घंटे की आरती देखेंगे, गंगा आरती जो कैसे होती है, क्या होती है और प्रॉपर बाजू से देखेंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहना एंड तक, मिलते हैं हम लोग वीडियो में। हर रोज इतना जल्दी है? हाँ, 24 घंटा। और यहाँ पे कुछ कोई वरदान वगैरह ना, इसीलिए जलती है ना? हाँ, मोक्ष मिल जाता है लोगों को यहाँ पे। चीता जलाने के बाद जिस बंदी को यहाँ पे जलाते हैं उसका मोक्ष हो जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर में देखते हैं। हाँ, और यहाँ पे दाह संस्कार, गंगा जी में स्नान, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, जिसका भी यहाँ तो बहुत दूर दूर लोग यहाँ पे आते हैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करके आए मंदिर के। दूसरा दर्शन इसके अंदर रात को भी जलाते हैं यहाँ पे, 24 घंटा जलता है। क्या बात कर रहे हैं? क्या कोई तो यहाँ पे रानी ने या किसी ने शराब दिया था ना कि यहाँ पे चीता जलेगी, ऐसा कुछ है ना यहाँ पे? हाँ, इसके बारे में कुछ बता सकते हो आपको? याद पता रहेगा तो बताए। यहाँ पे किसी ने, कोई रानी ने शराब दिया था ना कि यहाँ पे हमेशा 24 घंटा चीता जलेगी? बता दीजिए, ये बता देंगे। यहाँ पे किसी ने, रानी ने वगैरह कुछ शराब दिया था ना कि यहाँ पे चीता जलेगी 24 घंटा? कुंड गिर जाता है तो शराब नहीं देती। वो पार्वती जी जब वहाँ पे स्नान करती है ना, तो उनका जो है कान का जो कुंडल गिर जाता है। तो वही शंकर जी यहाँ पे शराब देते हैं कि यहाँ पे चीता नहीं, मतलब कोई नहाएगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ चीता जलेगा। नहाने का स्थान यहाँ से हटके वो सिंधिया घाट पे चला गया है। वहाँ पे स्नान यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर खाली सौ का घी सिर्फ स्नान होता है। तो जो चीता जो आता है लास्ट, उसका स्नान होता है और उसका जो भी मतलब क्रियाक्रम होता है वो सारा यहाँ पे होगा। हाँ। बाकी नहाने वाले का काम वो साइड है, वहाँ पे सिंधिया घाट के पास है। अच्छा, 24 घंटा चलती है? हाँ, रात दिन रात में सिर्फ 12 से 1 के बीच में चीता नहीं लगता है, मतलब जो जलता है वही जलता रहेगा और एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। अच्छा, 12 से 1 के बीच में, उसके बाद फिर चालू हो जाएगा। अब तो क्या बोलते, बारिश के टाइम में दिक्कत होता रहेगा? नहीं, बारिश होता है, आग जलता रहे। आग यहाँ पे जो है ना, महादेव की कृपा ऐसी है कि यहाँ पे बारिश हो, बर्फ गिरे, कुछ भी गिरे, लेकिन यहाँ का चीता कभी ठंडा नहीं होता है। आग बंदी नहीं होता? बंद नहीं होती। ये महाशमशान घाट है, यहाँ पे आपका जो है ना कि मतलब कितना भी पानी बरसे या कुछ भी हो, लेकिन यहाँ का जो भी चीता लगा हुआ है, आग जो कर जल रहा है तो वो बंद नहीं होगा, वो उसका आँच कभी कम नहीं होगा। अच्छा, कितने बारिश हो, कुछ भी हो? हाँ, कुछ भी हो। दूर दूर चाहते हैं यहाँ पे लोग? हाँ, बहुत दूर दूर से आते हैं चीता जलाने के लिए, सिर्फ क्योंकि मोक्ष प्राप्ति के लिए। यहीं पे मतलब यूपी है। आप कहाँ से आए? सुल्तानपुर। मैं राजस्थान से। हाँ, राजस्थान से। राजस्थान से। हाँ जी, ये टहलने आए हो? टहलने आए हो? हाँ, घूमने घूमने के लिए, दर्शन करने थे महादेव जी के। राजस्थान है जो मेहंदी वाले बाबा, बड़ा सुंदर काम किया आपने, मेहंदी वाले बाबा। हाँ, अच्छा, शालासर माता हनुमान जी मंदिर है वही? शालासर? हाँ, नोएडा में जाते हैं लोग जाते हैं। अच्छा, वही जो शालासर आपने कहा वही है? अच्छा, ठीक।
क्या जिंदगी है ये जिंदगी देखो, कहाँ पे जन्म लिया, किसने खिलाया, किसने बड़ा किया, किसको कमा के दिया और किसने जला दिया, सब मोह माया है। कोई कोई किसी का नहीं है, सब मोह माया है। शमशान आने के बाद जो है ना सब खत्म हो जाता है। बस अच्छा कर्म करिए आप। ना बिल्कुल सही, आए हैं खाली हाथ, जाएंगे भी खाली हाथ। क्या कितना कमाया, किसको कमा के दिया, किसने लिया और जिसको दिया उसी ने अपने को जला दिया। भाई मजा आता, ढील दो ढील दो ढील दो। सनी ब्लॉगर पतंग पकड़ लिए हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। अच्छा पतंग आपको 24 घंटा मिलेगा, क्या बात कर रहे हैं। जैसे दास संस्कार होता है ना, हाँ वैसे पतंग हर सीजन में मिल जाएगा आपको। और पतंग उड़ाया किसने और पकड़ा किसने, कट गया था ना। यहाँ पे यही है ना कि उड़ाएगा कोई, पकड़ेगा कोई है ना। अपना उड़ाया, अभी मंदिर में पुलिस वाला उड़ा रहा था एक, कट के आया किधर से। हेलो हेलो, के कितना कितना रुपए लेते जहाज वाले एक एक पर पर्सन का, एक जन का पर पर्सन का सुना होगा, ऐसे 100 रुपए साथ देते हैं। लाशें वेटिंग में पड़ी रहती है, लाशें वेटिंग में पड़ी रहती है जलने के लिए। लाश ये ये 3-4 घंटा में जल जाता है। नहीं वो देखो वेटिंग में पड़ी है नौरला से। कहाँ, हाँ ये सब है जलने के लिए, अभी और आएंगे। अच्छा बता तो रहे हैं आपको 24 घंटे यहाँ पे चलता रहता है। उधर जाएंगे, उधर गए थे नहीं ना, पार्वती जी के कान मंदिर को जाएंगे। यहाँ यहाँ जो जो जलता है ना, यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको ना माचिस से जलाने का मिलता है, ना कपूर जलता है। तो यहाँ पे जितना भी है ना, वो देखिए वो सामने मंदिर देख रहे हैं, रेड वाली मसालत, ये रेड वाली मंदिर खड़े है ना उसी के बगल में देखिए। हाँ हाँ वो बड़ी वाली झंडी झंडा लगा हुआ है उसी के नीचे। वहाँ उसके नीचे में देखेंगे ना तो एक चीता कुंड है, वहाँ वहाँ से आग मिलता है यहाँ पे जलाने के लिए। ये पुआल देखिएगा ना, तो एक पुआल टाइप का मिलता है जलाने के लिए। अभी कोई आएगा तो हम आपको दिखाते हैं। तो वहाँ से वो राख मिलेगा और वो यहाँ आएगा, जब घुमाएंगे 5 बार तो उसको थोड़ा ऐसे ही हिलाते हैं ना, तो उसमें ऑटोमेटिक आग लग जाती है, उसी से ये जलता है, अग्नि प्रकट हो जाती है ऑटोमेटिक। वहाँ पे आप जब जाएंगे ना तो आपको वहाँ पे देखिएगा तो हवन कुंड दिखेगा। जाइए सब दिखा दीजिए, चलो बगल में चलो साथ में, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, चलो उधर से जाते चलो। सुमित भाई जाइए आप, चलो आप चलो चलो नहीं है, चलो आप भी चलो चलो। ऐसे 24 घंटा चीता है जलती रहती है 24 घंटा। सब 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 मोह माया है, बस आप अच्छे कर्म करवा दीजिए, कुछ नहीं है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। हाँ भैया ये सब ख्याल है ना, शमशान घाट में आके याद आता है, बाकी आप किधर भी जाओ नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। उस राक्षस की वजह चलता बाहर कि पैसा कैसे आएगा। हाँ हाँ पैसा कैसे आएगा, अमीर कैसे सामने देख। हाँ हाँ ये यही है हवन कुंड, यहाँ से वो राख मिलता है। हाँ और वहाँ पे जब जाएंगे तो जल जाता है। अच्छा जी, आरती देखना है तो दशाश्वमेध जाइए, यहीं पे जो है शिव जी जो बोले थे कि मतलब यहाँ पे बॉडी नहीं, मतलब नहाने वाले लोग नहीं रहेंगे, सिर्फ यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। और यहाँ पे जो तपस्या किए थे ना, तो जो आग वो जलाए थे हवन कुंड जलाए थे, तो उसका ही अभी जो वो टाइम तपस्या के टाइम जो जलाया था हवन कुंड वो अभी तक चल रहा है, ये वाला मंदिर ऐसे ही झुका हुआ है। का ये मंदिर यहाँ पे भैया और कुछ भी दिखा रहे तो चलो चलते। एरिया बढ़ा दे, एरिया मुतरिया बढ़ा दे, मुतरिया बढ़ा दे, मुतरिया बढ़ा। जो उस टाइम में आए हुए थे शिवलिंग के रूप में यहाँ पे स्थापित है भोलेनाथ जी। हाँ यहाँ की कहानी बहुत है, कितने लोग आए हैं, कितने लोग गए हैं।
कितने दिनों के लिए आए हैं आप? मैं कल जाना है कश्मीर, कल जाना है। और 2 दिन हो गया मेरे को यहाँ पे। गाइस ये है इंसान की ज़िंदगी, देख लो आप। और ये बोल रहे हैं यहाँ पे मसान की होली भी होती है, जो कि भैया हमको दिखा रहे हैं। ये भैया हमारे साथ में थे, इन्होंने मेरे को सब कुछ बताया यहाँ के बारे में। और ये भैया, और एक ये भैया हर हर महादेव। शमशान की होली होती है, तो क्वालिटी वाला दिखाइए। ये देखिए उससे लिया गोप्रो की देखिए भीड़ बहुत भीड़ रहता है, तो थोड़ा सा लिए ना पूरा घुमा के आओ। भीड़ कब होता है? 21 मार्च को है, होली के 2 दिन पहले होता है। ये वाला सब यहाँ के जो राख वगैरह सब ऊपर आते हैं यहाँ पे, सब अघोड़ी लोग रहते हैं, आदमी आके रहते हैं, बहुत दूर से अघोड़ी आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अघोड़ी आते तो फिर यहाँ पे जीते जल्दी रहते ना। ये काम होता ही रहता है अंगारों के साथ, राख लेके लोग मुर्दा को उठा के लेके नाचते हैं लोग। मुर्दा क्या बात कर रहे हैं, जीवन का सत्य है ना। एकदम दिखा रहे हैं ना, नेटवर्क स्लो चल रहा है, नेटवर्क स्लो है। देखिए मुर्दा है ना, ये देखिए, ये देखिए मुर्दा है ना। नेट स्लो चला है ना, नेट स्लो चल रहा है, नेटवर्क पूरा गायब हो गया है, यहाँ बंद हो जाता है सेम। तुम्हारे पास तो होगा ना वीडियो में, हम डिलीट कर। और गाइज यहाँ के जो नोकल भैया थे मेरे साथ, वो बता रहे थे कि यहाँ पे जो जब शिव जी तपस्या करते टाइम जो हवन कुंड में जो जलाया था वो अंगारे है, आज भी उसी अंगारों से चिता जलाते हैं। तो गाइज बहुत बड़ा इतिहास है यहाँ का, जो कि भैया ने मुझे काफ़ी बताया। और गाइज यहाँ पे जलने के लिए लास्ट 10 एक्स्ट्रा वेटिंग में पड़ जाती है, और 24 आवर्स यहाँ पे चिता जलती रहती है भाई, कसम से। यहाँ पे आने के बाद आप सब कुछ भूल जाओगे, माँ बाप भाई प्यार व्यार कुछ नहीं है भाई, सही में यार पैसा धन दौलत सब कुछ यहाँ पे पड़ रहता है, कुछ नहीं है भाई, सही बताओ तो। पता नहीं कितने अमीर अमीर आदमी यहाँ पे राख हुए होंगे, तो ये कुछ है अपनी ज़िंदगी। और गाइज आप पूरी उम्र भर डरते हो जिन लोगों से कि भाई चार लोग क्या बोलेंगे, वो चार लोग आपको मरने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। देख लो जैसे कि यहाँ पे खड़े ये चार लोग, ये वही चार लोग हैं जो आपको पूरी उम्र भर टोकते ना, वही चार लोग हैं ये। तो किसी का कुछ मत सुनो, ज़िंदगी आपकी है तो आप जियो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी। वो चीता को अंदर पानी का डुबल दिया, फिर भी चल जाएगी वो। भाई साहब गाइस वेटिंग लिस्ट में कितनी चीताएं पड़ी, देखो आप 1 2 3 4 ऊपर पड़ी है वहाँ पे। चलो भाई थैंक यू, जय श्री राम। ठीक है आओ तो कभी कॉल करना, ठीक है। चलो गाइस अभी वो साइड में चलते, अगर गंगा आरती वो चालू रहेगी तो वही दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, नज़दीक से वापस आ जाए। तो चलो चल रहे अभी वहाँ पे। तो गाइस अभी यहाँ का सिनेमेटिक आप इंजॉय करो, देखो यहाँ का व्यू।
फाइनली गाइस जहाँ पे आरती होती है वहाँ पे आ गए। और लेमन टी नींबू मसाला चाय कितने की? 10 रुपए की। अच्छा जी दे दो फिर। तबीयत पानी बढ़िया। तो गाइस हम पहुंचे अभी गंगा आरती घाट, जहाँ पे आरती होती है ना गंगा जी की, वहाँ पे पहुंचे। आज मैं आपको एक घंटे की पूरी आरती दिखाऊंगा, ठीक है? जो मेन मेन पार्ट होते हैं वही दिखाऊंगा आपको, ठीक है? तो चलो अभी पीते नींबू लेमन, क्या बोलते हैं सर, लेमन लेमन सोडा नहीं क्या बोलते हैं, लेमन टी मसाला वाली, लौंग इलायची मरीच जीरा काला नमक। अच्छा सब कुछ डालते हैं इसके अंदर। अच्छा ठीक है दे दो फिर। और मसाला डालना ज़्यादा थोड़ा, वो क्या बोलते हैं कौन सा मसाला, चाट मसाला था? हाँ 25 किस्म का मसाला इसमें। अच्छा क्या क्या रहता है मसाले के अंदर? यही तो नहीं मालूम ना। आप बना रहे आपको पता रहेगा ना। तीन चार मसाले का नाम याद रखेंगे। अच्छा ठीक है। कितना हो गया? 10 रुपये। लो जी ओके। A few moments later. Guys, यहाँ पे अभी जितना क्राउड है ना उससे डबल क्राउड होने वाला है, कम से कम 80,000 प्लस यहाँ पे पब्लिक रहेगी, कम से कम इतनी पब्लिक आती है यहाँ पे सिर्फ गंगा आरती देखने के लिए। ये जितनी बोटें पड़ी हैं सब बोटों के अंदर पब्लिक ही पब्लिक रहेंगी, और जहाँ पे घर है ना घरों के ऊपर ही पब्लिक ही पब्लिक रहेगी, और यहाँ पे खड़े रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, इतनी पब्लिक होगी। अभी जितनी पब्लिक है ना उससे डबल अभी आने वाली है, जैसे ऐसे आरती चालू होगी वैसे वैसे पब्लिक आएगी यहाँ पे, देखना पूरा भरा पड़ा गंगा घाट पूरा। यहाँ पे पर डे आरती होती है गंगा जी की, एक घंटे की आरती पूरा देखेंगी, और जो जो मेन मेन पार्ट है वही मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि एक घंटे का तो इतना व्लॉग बड़ा हो जाएगा फिर, इसीलिए जो जो मेन पार्ट है वही मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है? तो आप बने रहना एंड तक व्लॉग में। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो यार जल्दी से, और सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो। आप जब जाओगे वहाँ पे आप ये जगह पे घूमना, और मेन मेन जो है, और इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा था वो भी देखो। तो मैंने दिल्ली से स्टार्ट किया था, जो कि अभी आगे और जाऊंगा, तो वो मैंने पूरा सीरीज की तरह बनाया यहाँ के पार्ट, वो आप देखना। तो सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ वो मैंने सब सीरीज के वाइज बनाया, एपिसोड वाइज, तो वो नहीं देखे तो वो भी जाओ देखो जल्दी से। और चलो अभी इंजॉय करते हैं गंगा आरती। Thank you.
तो चलो गाइस, ये थी कुछ आज की आरती जो कि मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है। अभी चलो चलते हैं यहाँ से।